दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैलकुलस क्या होता है। दरअसल कैलकुलस एक मैथ की ब्रांच है जिसमें हम फंक्शन, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, सीरीज और डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी करते हैं। कैलकुलस का मूल आधार सर आइजक न्यूटन और गॉटफ्रीड विलहेम लाइविंटीज ने रखा था और बाद में धीरे धीरे इसका विकास कई सारे गणितज्ञों ने किया। कैलकुलस दरअसल वह तरीका है जिसके माध्यम से हम अवकलनीय परिवर्तन को मापने का और उसका विश्लेषण करने का काम करते हैं। इससे हम जटिल और गतिशील प्रणालियों को आसानी से समझ सकते हैं। कैलकुलस की जो अवधारणाएँ होती हैं वो भौतिकी, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र और कई सारे अन्य फील्ड्स में उपयोग की जाती हैं। दरअसल कैलकुलस को मुख्य दो भागों में बांटा गया है जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम समीकरणों की ढलाने और परिवर्तन दर यानी कि रेट ऑफ चेंज का अध्ययन करते हैं, जबकि समकोण गणित यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस में हम क्षेत्रफल, एरिया और एकत्रण यानी कि अकम्युलेशन की गणना करते हैं। अंतर्गणित में हम अवकलनीय से समीकरणों की ढलाने निकालते हैं। डिफरेंशियल किसी समीकरण के हर बिंदु पर किए गए छोटे से परिवर्तनों को प्रतिष्ठित करता है। इसे हम वेग, त्वरण, अधिकतम और न्यूनतम तिथियां और ग्राफ के व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं। वहीं अगर हम समकोण गणित की बात करें तो इसमें हम फंक्शन के क्षेत्रफल और एकत्रण की गणना करते हैं। इंटीग्रल किसी फंक्शन के इंटरवल यानी कि अंतराल के भीतर क्षेत्रफल को प्रतिष्ठित करता है। इसे हम स्थानांतरण, क्षेत्रफल, आयतन और नेट परिवर्तन की गणना को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों कैलकुलस का व्यापक उपयोग है, जैसे कि भौतिकी में गति, बल और ऊर्जा के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है, और वहीं पे इंजीनियरिंग में डिफरेंशियल कैलकुलस और अधिमित करणीय समस्याओं को हल करने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ अर्थशास्त्र में प्रोडक्शन, लागत और आय के विश्लेषण में भी इसका काम लिया जाता है। सार्वभौमिक रूप से कैलकुलस एक शक्तिशाली गणितीय उपकरण है जो परिवर्तन और चरवाही को समझने और मापन करने में सहायता करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही उपयोगी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।